तो हाय गाइस, चलो एक्स हाय कर सबको। हाय, तो आज मैं अपने पिटबुल का ट्रांसफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो जब मैं इसको लाया था, मैं इसको 15 दिन पे लाया था। ये बहुत ही छोटा सा था, बिल्कुल फर्किल्ला सा था, तो ये सबसे अच्छा नहीं था अपने ब्रदर और सिस्टर में। पर मैंने इसको कलर पैटर्न की वजह से इसको चूज किया। इसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग करी है, क्योंकि सिर्फ ये 15 डेज का था और मैंने इसको मदर से अलग किया था, तो उसकी फीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो मैंने इसको सेटेलाइट पर लाया है, रात में जा जाके दिन टाइम सुबह 4 टाइम, मतलब दिन में 7 बार फीडिंग करना पूरे दिन में, तो बहुत कठिन फेज था। फिर जब ये बड़ा हुआ तो जल्दी ग्रोथ कर रहा था। तो मैं इसको लाया था तो ये बिल्कुल ही छोटा सा था, मतलब अपने पूरे हाथ में फिट हो जाता था। फिर जैसे धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया, इसके पैर में चोट लगी, केयर करनी पड़ी, फिर मेडिकेशन चला कि सही हो जाए। इसका पैर बिल्कुल सही हो गया, तो वो जाना था तो मैं जम्मू चला गया। उसके लिए मैंने इसको घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ दिया। तो इसकी बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ही ज़्यादा एक्टिव था और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। इसकी बोन डेंसिटी बढ़ रही थी और एज अ पिटबुल जैसे इसके करेक्टर्स जो होते हैं बिल्कुल उभर के आ रहे हैं। और ये बहुत ही छोटा है, मतलब ये समझ लीजिए ये जो वीडियो चल रही है आपको, ये है इसमें है 2 से 3 मंथ्स का भी नहीं है। जम्मू से वापस आया, फिर मैंने जब इस पर इसको देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। घर वालों के चक्कर में बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा था। तो अब इसकी बारी थी क्रॉपिंग कराने की, कानों को क्रॉपिंग करने की बारी थी। बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग था इसका, वेट बिल्कुल सही था। तो मैंने डॉक्टर से बात करी, जो कि क्रॉपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में वो इलीगल है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है किसी जो भी पिटबुल लेना चाहे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, आपका 6 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ सकता है। मेरा कम से कम 7,000 अप्रॉक्स खर्चा आया सिर्फ इसी कान के ऊपर। सो मेरे एक्स के ऐसे हैंगिंग ईयर्स हैं, ये पिटबुल के ऐसे ही शुरुआत में बचपन में होते हैं। तो इनको ईयर को क्रॉप किया जाता है जिससे इनका कुछ शेप अलग हो जाता है। सो कानों को प्रोटेक्शन देने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा केयर करी, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन स्टार्ट करी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए प्रोटेक्टिव कॉलर लिया। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती रही, टॉपिंग के बाद भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चलती रही, तो फीडिंग का भी बहुत असर पड़ता है। सो ये अब 4 मंथ्स का हो चुका है और मैंने इसको अभी ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। मैं इसको रनिंग कराता हूँ और बहुत अच्छी फीडिंग देता हूँ और इसको सोशलाइज भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है पहले ही, क्योंकि मेरे घर पे काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं और मैं इसको जिम तक लेके जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलता है और बिनी सीजर से ही मिलता है। आपको पता ही है लैब्राडोर रॉटवीलर हस्की से भी ये मिलता रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक है और ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसमें करेक्टर्स ये है तो पिटबुल ही, उसमें करेक्टर्स हैं अग्रेशन के, पर अभी इसके अग्रेशन के करेक्टर्स अभी से ज़्यादा निकल के नहीं आए हुए हैं। ये टोटल वीडियो था, ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाला, ये एक छोटे से हाथ से लेकर अब मेरे इतना इतना बड़े का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये मेरा एक्स जो है पिटबुल है वो, अगर आपको और ज़्यादा इसकी वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक करना और कमेंट करना। जो आपको कुछ पूछना हो इसकी फीडिंग रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो तो आप जरूर कमेंट करना। सो ओवर एंड आउट, प्लीज़।